नमस्कार किसान साथियों, फसल सलाह के इस YouTube चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात कर लेंगे गेहूं के ऊपर कि कितनी उसकी प्रोक्योरमेंट हुई है, बाजार में कितनी आवक हो रही है तथा भावों में आगे क्या असर रहने वाला है। अभी तक गेहूं का प्रोक्योरमेंट 1.5 मिलियन टन हो चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 41% ज़्यादा है। इस समय तक पिछले साल 1.1 मिलियन टन का ही प्रोक्योरमेंट सरकार कर पाई थी। इसमें ज़्यादातर जो प्रोक्योरमेंट है वो मध्य प्रदेश से हो रही है। उसके अलावा मेजर प्रोक्योरमेंट यूपी, बिहार एवं राजस्थान से भी की जाएगी। तो गवर्नमेंट का जो इस समय प्रोक्योरमेंट का टारगेट है वो 37.29 मिलियन टन है, लेकिन वास्तविकता में तथा व्यापारियों का जो कहना है उससे लग रहा है कि सरकार 30 से 32 मिलियन टन तक का ही प्रोक्योरमेंट कर सकती है। इसका जो मेजर कारण है वो यह निकल करके आ रहा है कि गेहूँ के MSP से ऊँचे हुए भाव, जिस वजह से किसान जो हैं वो मंडियों का रुख कर रहे हैं और सरकारी केंद्रों पर खरीद करने के लिए नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर ले प्राइवेट प्लेयर्स की, तो 15 से 20 अप्रैल तक यह भी साफ हो जाएगा कि प्राइवेट प्लेयर्स किस तरीके से खरीद कर रहे हैं और वो क्या भाव ऑफर कर रहे हैं। वहीं किसानों को भी देखना होगा कि वो किस तरफ रुख करते हैं अपना, या तो वो क्या वो सरकारी केंद्रों पर जा रहे हैं अपने गेहूँ को बेचने, या फिर वो मंडियों का ही रुख करते हुए नजर आएंगे। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि स्टेट वाइज अभी तक कितनी प्रोक्योरमेंट हो गई है। ये जो डेटा है ये 9 अप्रैल तक का है। इसमें सबसे पहले बिहार को देखें तो वहाँ पर अभी तक 456 टन की प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। वहीं हरियाणा में अभी 9,243 टन की प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 8,45,922 टन। उसके अलावा पंजाब में सबसे कम केवल 6 टन की ही प्रोक्योरमेंट हो पाई है, क्योंकि अभी वहाँ पर आवक बहुत ही कम हो रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो वहाँ 30,387 टन, उत्तर प्रदेश में 41,561 टन की अभी तक प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। और भी जैसे जैसे डाटा आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, या फिर फसल सलाह ऐप में भी आप इसको देख सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि बाजारों में भी गेहूं का क्या भाव चल रहा है तथा इसमें आगे बढ़ोतरी होगी या इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। तो पिछले एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो बाजार के जो भाव हैं उसमें 50 से 70 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण यह है कि बाजार में आवक की काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अगर हम आवकों की बात करें तो इंदौर की मंडी में अभी 6500 बोरी की आवक हो रही है। वहीं अलीगढ़ में 700 बोरी, नजफगढ़ में 5500, वहीं गुलाबबाग में 2000 बोरी एवं शाहजहाँपुर में 50,000 बोरी आवक हो रही है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के भाव। अगर हम बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में भी मिल्क क्वालिटी का भाव 2200 रुपये एवं बढ़िया क्वालिटी का भाव है 2300 रुपये। वहीं रायबरेली में मिल्क क्वालिटी का भाव है 2360। हरदोई में नई गेहूं का भाव है 2235 रुपये। वहीं सीतापुर में 2241 से 2245, नरेला में 2200 से 2350, वहीं नजफगढ़ में 2200 से 2250 रुपये, मथुरा में भाव है 2150 रुपये, कौशाम्बी में 2311, औरैया में 2200, इटावा में 2170 एवं बहराइच में 2200 रुपये भाव चल रहे हैं। तो ये हैं कुछ प्रमुख मंडियों के भाव तथा और भी भाव जो हैं वो हमारे फसल सलाह ऐप में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो ये थी गेहूं बाजार की संक्षिप्त रिपोर्ट। इसके अलावा हमारी पिछली 3 वीडियो भी बनी हुई है गेहूं के ऊपर ही, कि किस तरीके से मार्केट अभी चला आ रहा है, और आगे भी इस सीरीज़ में हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें। और फसल सलाह ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।